नमस्कार, मैं आपका भाई सुशील मिश्रा। आज के समय में हमारी बहनों को, बेटियों को बड़ी तकलीफ होती है। कल ही हमारी बेटी बहन से बात हुई थी। वो कह रही थी, भैया मैं मेरठ से आई हूँ, मेरी जॉब लगी है दिल्ली में, तिलक नगर में। हमारे रहने की बड़ी रूम ढूंढने में या पीजी ढूंढने में बड़ी असुविधाएं हो रही हैं। तो मैंने उनसे फिलहाल रात 11 बजे भी बात किया था। मैंने कहा, आइए बेटा, मैं आपको पीजी दिखा देता हूँ और उनके ऑनर से भी मिलवा देता हूँ। तो रही बात, मैंने अपना खुद का पीजी तैयार किया हुआ है अभी, तो इसी चीज के लिए कि हमारी बेटियों को और बच्चियों को कभी तकलीफ ना हो। और पारिवारिक पीजी है, ऊपर हमारी पूरी फैमिली रहती है, नीचे हमने प्रॉपर इसको पीजी बना रखा है। जैसा कि रूम के साइज बड़े अच्छे हमने निकाले हैं, खुद का हमारा घर था तो बड़ा सफिशियंट साइज भी निकाला हमने। तो इसमें आप देखेंगे कि एक साइड में और ये दूसरा दो बेड है, तो शेयरिंग में इसमें दो बच्चियां रह सकती हैं। और इसका हमने कॉस्ट भी बहुत नॉर्मल रखा है, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से हार्डली लास्ट टू लास्ट 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, इसको आर समाज की लोकेशन बोलते हैं। आर समाज जे ब्लॉक में ही आता है। तो मैं आपको पूरा ओवरऑल दिखाऊंगा, मैं दे क्या रहा हूँ इसमें, क्या क्या दे रहा हूँ। तो इसमें मैं जो दे रहा हूँ, मैं एक बार आपको चल के दिखाऊंगा। पहली बात तो आप ये देखिए, एक आयरन की सुविधा दे रहे हैं। और ये जो आपके बेड है, बेड के नीचे प्रॉपर बॉक्स है। हमारे बच्चे होते हैं, उनकी रजाइयां, उनके कंबल, उनके तकिया, उनके पिलोस रखने में घर को दिक्कत आती है, तो अपने बेड के नीचे सेपरेट आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पीजी में किचन नहीं मिलता है, उनको बाहर से बनाना पड़ जाता है, मंगाना पड़ जाता है, खाना कॉस्टली पड़ जाता है। तो हमने सेपरेट किचन भी दी है। और अलमीरा की जो बात है, सेपरेट अलमीरा भी है, बच्चे अपने बुक्स वगैरह ये सारी चीजें रख सकती हैं बेटियां। और मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने सिर्फ बेटियों के लिए अपने बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ गर्ल्स अलाउ है, जेंट्स का, लड़कों का कोई इंटरफेयर नहीं है। और हमने आपको दूसरी बात पहले ही बता दिया था, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि सिर्फ गर्ल्स का है और किसी का इंटरफेयर नहीं है। ऊपर सब फैमिली रह रही है तो दिक्कत नहीं आने वाली बात है। आप जस्ट लाइक इसको आप घर ही समझे अपना। स्विचेस वगैरह आप देख ही रहे हैं, जो हमसे जितना बेहतर हो सकता था बनाने की कोशिश की है और हमने ओवरऑल बनाया भी है। तो आप ये देख सकते हैं, किचन भी देख सकते हैं, इंडक्शन हमने साथ में दिया हुआ है। तो इंडक्शन में बच्चियों को हमारे चाय, कॉफी, मैगी, खाना जो भी आप वो बनाना चाहती हैं, अगर वो खुद प्रॉपर कुक करना चाहती हैं तो अपना खाना बनाए, तो उनको बनाने उनाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं साथ में अटैच वॉशरूम भी है इसके, अटैच वॉशरूम में भी स्पेस काफी अच्छा है। तो जैसे कि वॉशरूम भी है, आपको दिखा दिया कि किचन भी है, और साथ में मैंने आपको डबल शेयरिंग का है ये जो कि, और हाँ सबसे बड़ी बात, मैंने अलमीरा आपको दिखाया था। वेंटिलेशन के लिए बड़ी दिक्कत होती है ना कि पीजी में वेंटिलेशन, तो विंडोज भी है सामने, विंडो लगी हुई है, और सेल्फ भी है जिससे स्टोरेज के लिए कल को कोई दिक्कत ना आए। साथ में हम अभी कूलर दे रहे हैं, और अगर एसी की नहीं दोगे तो हम एसी का स्प्लिट एसी की सारी फिटिंग करा चुके हैं, तो हम एसी भी देंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक वो होता है ना कि कैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा कितना आएगा, क्या होगा, हम इनके सारे सेपरेट मीटर भी लगाए हुए हैं कि जो हम आप यूज कर रहे हैं जनरली वही हो। देखिए आप कॉरिडोर देखिए, काफी जैसे बेटियां हमारी बच्चियां हैं, वो पढ़ना चाहें, हॉल में टहलना चाहें, खा पी के थोड़ा वॉक भी करना चाहेंगे, तो काफी अच्छा स्पेस है। आप देख रहे हैं जो कि 490 लीटर की इस कैपेसिटी का हमने फ्रिज रखा हुआ है। जैसे बच्चों का कुछ भी सामान रखना हो, ये है वो है, मतलब वो सारी चीजें अपना ये रख सकती है। तो ये आपको दिखाना चाहूंगा मैं, एक कॉमन वॉशरूम भी दिया हुआ है। जैसे मान लो अगर हमारे रूम में थोड़ी सी बच्चे हैं, लेट हो रहा है किसी को, देर हो रहा है, तो ये कॉमन वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे बच्चे यहाँ। और मैं आपको प्रॉपर, आप एक बार दोबारा इनको बोलूंगा, अपने कैमरा मैन को कॉरिडोर दिखाएंगे। ये बहुत मायने रखता है कि हमारी बच्चियां हैं, थोड़ा सा सर्टिफिकेशन ना फील हो उनको, मतलब ऐसा ना फील होगा हम कहीं मंदिर में हैं। आप ये देख सकते हैं
करीब करीब 60 से 65 फीट की दूरी पे ही हमारे कैमरामैन खड़े हुए और काफी स्पेस मिल जाता है। हम उनके लिए यहाँ 2-4 चेयर एक कंप्यूटर टेबल की भी व्यवस्था बनाएंगे जैसे कि वो कल को बैठ के पढ़ लिख ले उनको कोई दिक्कत ना आए। अब ये जो एरिया है हम इसको प्रॉपर स्टडी का एक लॉबी बना देंगे और एक सोफा रख देंगे तो यहाँ बैठ के पढ़ना लिखना अपना उनका सारा चीज अपना होता रहेगा। और सेकेंडरी में आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें जैसे कि हमने ये बड़ा रूम है, टीवी भी लगा रखा है हमने आप, और 4 बेड दे रखा है कि 4 बच्चियां अपने आराम से रह के इसमें गुजर बसर कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं। स्पेसियस रूम है ये, तो इसके भी साथ स्टोरेज के लिए अलमीरा हमने आपको हर रूम में बताया था, हर रूम में दिया हुआ है। आयरन साथ साथ दिए क्योंकि प्रेस करने में बच्चों को जल्दी कहीं जाना है, लेट हो रहा है, लपेट हो रहा है, तो ये काफी कारगर साबित होता है तो ताकि इनको कहीं बाहर न जाना पड़े। आपको सारी सुविधाएं जितनी हो सकती थी हमने देने की कोशिश की है। आपको अटैच वॉशरूम मैंने दिखा दिया, साथ में कॉमन वॉशरूम भी है क्योंकि 4 बच्ची हैं, उनको इमीडिएट जाना है तो कॉमन वॉशरूम यूज कर सकती हूँ, साथ साथ सेपरेट वॉशरूम आपका है ही। मैं आपको अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रॉपर ये वॉशरूम दिखाएं और वेंटिलेशन को प्रॉपर ध्यान रखते हुए कि एशॉक लगाया हुआ है, थोड़ा हाई पावर का, बड़े पावर का। दोबारा आप ये फिर से देखें, सेपरेट किचन है, अगर खुद कुक करना चाहती हैं बेटियां हमारी बच्चियां तो खुद वो कुक करके अपना खाना बना सकती है, बाहर से लेने की या ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी। आइए, मैंने आपको अभी तक 2 रूम दिखाए जिसमें से कैपेसिटी हो गई 2 बेड उधर था, 4 बेड इधर है, यानी 6 बेड हो गए। अब मैं आपको तीसरे रूम में लेके चलता हूँ। तीसरे रूम में 3 बेड की हमने कैपेसिटी दे रखी है, 1 में 2, 1 में 3, 1 में 4, और चौथा भी दिखाऊंगा मैं आपको। आप ये देखें, जैसे कि मैंने बताया था सारे बेड स्टोरेज वाले हैं। कल को हमारी बेटियां अगर यहां से जाती हैं 2-4, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो अपना सारा सामान अपने बेड के अंदर रख के जा सकती है। ओवरऑल मैंने सारी चीजें, सारी स्पेसिफिकेशन बताई दी है। पंखे लगे हुए हैं, टीवी हर रूम में दे रहे हैं, न्यूज है या अपने मोबाइल को कनेक्ट करके टीवी में कुछ स्टडी करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं बच्चियां, तो वो चीज आसानी से वो कर सकती हैं। ये वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज सारे रूमों का करीब करीब एक जैसा है और किचन भी ऑलमोस्ट सेम है, किचन में भी कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर बनाने की कोशिश किया है। सबसे बड़ी बात वेंटिलेशन के लिए, ये फ्रंट का है, ये रूम आपका फ्रंट पे आ जाता है, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है, विंडोज है, कर्टन्स लगा रखी है क्योंकि हमारी बेटियां हैं, थोड़ी हार्ड कर्टन्स लगा रखी है क्योंकि ट्रांसपेरेंट कर्टन्स हम देना पसंद नहीं करते हैं, तो वो ताकि प्राइवेसी हमारी रहे इसमें। मैं स्टोरेज के लिए, आप देखिए जैसे जैसे जितने जितने बेड के रूम है उस हिसाब से मैंने स्टोरेज दे रखी है, एक एक बेटी का हमारा ये हो जाता है, एक बेटी का हमारा ये हो जाता है, एक बेटी का हमारा ये हो जाता है। हर रूम में हमने आपको बताया आयरन दे रखा है, वाईफाई है और बैकअप पावर इलेक्ट्रिसिटी का भी दे रखा है, और जो एक्सटर्नल कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो भी, मैं आपको एक बार उसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता दूंगा कि क्या क्या हम आपको मेन चीज दे रहे हैं। हमने आपको 3rd रूम दिखाया था जिसमें 3 बेड था, अभी हम आपको 4th-4th रूम में ला रहे हैं। दोबारा आप देखेंगे इसमें भी हमने एलईडी पैनल यानी टीवी दे रखा है, 3 बेड का ये भी रूम है, फैन आपके दोनों लगे हुए हैं, ये भी फ्रंट का है, तो विंडो वेंटिलेशन की कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है हमारे बच्चियों को। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सिक्योर और बहुत ही आप प्राइम लोकेशन और स्पेशली हमने अपने बेटियों और बहनों के लिए बना रखा है। तो मैं ये हमारे जो भी भाई हैं, मित्रगण हैं, चाचा पिते हैं, वो भी बाहर बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, क्या है, कैसे रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, कहाँ क्या दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए मैंने CCTV लगा रखा है। आपका कोई भी गार्जियन या हमारा कोई भी भाई हमसे ऑनलाइन एक्सेस लेके ये देख सकते हैं कि हमारी बेटी कब आ रही है पीजी में, कब जा रही है, आप अपने मोबाइल फोन में उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी कहने के लिए तो बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी सुविधा है, और ऑनलाइन टेक्निकल जमाने में ये सारी चीजें होनी भी चाहिए। तो मैं आपको ओवरऑल सारी चीजें बता दिया और देखते जाइए साथ साथ में, जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं रात को और उनको स्टोरेज के लिए बुक्स रखने के लिए तो साइड साइड में टेबल दे रखा है हमने,
बेड की जो क्वालिटी, गद्दे की जो क्वालिटी है, गद्दे की क्वालिटी कंफर्टेबल बहुत है, ये नहीं कि बहुत हार्ड हो, बच्चों को सोने में तकलीफ हो। डिक्रॉन कंपनी का पिलो भी दे रखा है, आप बेडशीट देख ही रहे प्योर कॉटन का है। कुछ बच्चे हमारे ये सोचते हैं कि मैं बेडशीट अपना यूज करूंगा, वो यूज कर सकते हैं अपना, अगर रजाई या कंबल अपना यूज करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो यूज कर सकते हैं। हर रूम में वाईफाई की कनेक्टिविटी है, पानी 24/7 है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप पावर दे रखा है हमने। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहूंगा कि हमने क्या क्या दे रखा है। आप ये देखें, एसी नॉन एसी रूम अवेलेबल, अनलिमिटेड वाईफाई, कोई वाईफाई का वो नहीं है कि आप जो भी जितना यूज कर सकते करें। 24 आवर्स पावर बैकअप, अटैच किचन है, बाथरूम है, फ्रिज है, आरओ वाटर है। पानी के लिए दिक्कत आती है बच्चियों को, कहीं उनको पानी चेंज होता है, इसलिए आरओ वाटर की सुविधा है। 24/7 कैमरा सर्विलांस में है। मैंने आपको बताया था कि आप यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, राजस्थान में है, कहीं भी है, आप अपने बच्चे को ऑनलाइन देख सकते हैं। कपबोर्ड विद लॉक, मतलब जो भी सॉरी कवर्ड विद लॉक्स है, अलमीरा लॉक के साथ है, आप कभी ज्यादा चाहते हो तो आप अपने लॉक कर सकते हो। शेयरिंग है, नॉन शेयरिंग रूम्स भी है और अवेलेबल है। एलईडी टीवी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात मैंने बताना भूल गया था, मैं दिखा भी नहीं, मुझे अभी दिखाऊंगा। वॉशिंग मशीन है, बच्चियों को कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी ऑटोमेटिक है। अगर अपना कपड़े डाल देती हैं बच्चे, घंटे में डेढ़ घंटे में अपने कपड़े निकाले। मील ऑन डिमांड, खाने की भी हमारे पास सुविधा है। अगर कुछ बच्चियां अपना बनाना नहीं चाहती तो हम उनके अकॉर्डिंग, अपना हमारे पास खुद का किचन है, हम उनको खाना भी बना के देंगे। पर बेड का चार्ज जो हम कर रहे हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही सुविधा है। मेट्रो स्टेशन हार्डली 100 से 150 मीटर पे है, तो हम जो चार्ज कर रहे हैं अपने बच्चियों से पर बेड का 6500 चार्ज कर रहे हैं। जो भी 10-20-50 का नेगोशिएशन हो सकता होगा, हम ऑन डिमांड बैठ के बातचीत करेंगे। मैंने ओवरऑल आपको घर दिखा दिया और घर का जो साइज है बहुत बढ़िया है, और एरिया मैंने आपको कॉरिडोर दिखा दिया, लॉबी दिखा दिया, वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बता ही दिया। अभी वॉशिंग मशीन हमारी शायद आई नहीं है, ऑटोमेटिक हम ला रहे हैं, काफी बड़े बड़े में ला रहे हैं, क्योंकि 2-4-10 बच्चों के कपड़े भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस पीजी को आप हमारे ऑनलाइन बिलिंग होम्स पे आके प्रॉपर देख भी सकते हैं, और हमें दिए हुए नंबर पे, जो नीचे नंबर आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सारी चीजें मैंने आपको सारी विशेषताएं बता दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं ये कहूंगा कि अपने बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको जितना आगे हो सकता है पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भाई, आपका बेटा सुशील मिश्रा, धन्यवाद।